ऑल राइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा आपसे ईद मुबारक के ऊपर, जो आप एडिट करते हैं तो वो कैसे करेंगे और मैंने कैसे करी है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये पहली बैकग्राउंड लेयर थी, ये कोई सिंपल ऐसे ही थी। और अगर आपको मेरे जो पहली वीडियोस डली हुई हैं उनके PNG प्रीसेट डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ टेलीग्राम की लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन में, तो वहाँ से आप PST VSD सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली और बहुत जल्दी, क्योंकि मैं वहाँ हर टाइम पोस्ट करता रहता हूँ और अप टू डेट रहता है वो ग्रुप। और अगर आपको कोई और सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन करें अपने सारी प्रॉब्लम्स के साथ। अगर उसके ऊपर ट्यूटोरियल नीडेड होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर पहले से ही चैनल पे ट्यूटोरियल होगा तो मैं स्किप कर दूंगा। सो आप चैनल को भी थोड़ा चेक कर लीजिए एक बार, सारी वीडियोस देखिए, सब में एक्सप्लेन रहता है क्योंकि मैंने हर चीज़ का एक डिटेल्ड रिव्यू बना रखा है पहले से। तो यहाँ हम फ़ोटो की बात करते हैं सबसे पहले। तो फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अनस्प्लैश से ली है मैंने, और अनस्प्लैश से मैंने ये सिंपल स्टार्स का बैकग्राउंड ले रखा है। ये स्टार्स का बैकग्राउंड नहीं था, ये कुछ ऐसे सीनरी का था तो उसमें स्टार्स थे, तो मैंने यहाँ से जैसे स्टार्स निकाल रखा है और कुछ नहीं है। और आप ये अनस्प्लैश से निकाल सकते हैं, अनस्प्लैश फ्री साइट होती है, वहाँ पे आप जो भी वॉलपेपर डाउनलोड करेंगे यूज़ कर सकते हैं आप अपने किसी भी फोटोशॉप चीज़ में। इसलिए मैं अनस्प्लैश से यूज़ करता हूँ और कहीं से यूज़ नहीं करता, क्योंकि यार कॉपीराइट आने का इशू बहुत ज़्यादा रहता है हर टाइम। अगर कॉपीराइट आप पे पड़ जाता है तो यार आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, और मेरा अकाउंट तो 30 तारीख तक ब्लॉक हो रखा है, पता नहीं कमेंट रिप्लाइज की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर दिए थे, हर किसी का मैंने कमेंट लाइक एंड रिप्लाई करा था। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है और मैं किसी की भी पोस्ट अब लाइक नहीं कर पा रहा, जस्ट शाउट आउट्स दे पा रहा हूँ। तो शाउट आउट्स चलते रहेंगे और होपफुली मैं पोस्ट भी डालता रहूँगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मून ऐड करा था, तो यहाँ डिटेल रिव्यू रहेगा, कोई पिक्सार टाइप नहीं रहेगा कि मैं आपको PNGs दूँ और आप डायरेक्ट डालें। सो पिछले कमेंट में मैंने पढ़े थे तो एक भाई ने बोला था ये कि डिटेल रिव्यूज़ तो और पिक्सार्ट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप वैसे PNG समझाएं। तो यहाँ मैंने एक मास्क बना रखा है ग्रुप पे और ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ एक मून ऐड करा था, मून के ऊपर मैंने एक सिंपल सॉफ्ट ब्रश से ड्रॉ कर रखा है। और वो ड्रॉ आप कैसे करेंगे, यहाँ से ब्रश लेंगे सिंपल सॉफ्ट और उसकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए, और बड़ा कर लीजिएगा ब्रश को और एक डॉट ऐसे क्रिएट कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसा ही फैदर क्रिएट करेगा जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल ग्लो आ जाएगा और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर ये वाली लेयर को दोबारा कॉपी करना है आपने, ठीक है। फिर एक गॉसियन ब्लर डालना है आपने, अराउंड मैंने 114 रेडियस का डाला है, तो आप भी इतना डाल सकते हैं, क्योंकि उससे फिर वहाँ एक ग्लोइनेस अलग सा आ जाएगा, आप देख सकते हैं मून में ग्लोइनेस कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर दिया था इसका, कि वो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, कि वो वाइट ही कलर में बदल जाएगा, इसलिए वाइट कलर से हटाने के लिए मैंने ओवरले में कर दिया था। और कर्व से मैंने थोड़ी डिटेल्स और वापस ली हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी डिटेल्स आ गई हैं थोड़ी सी वापस। और कर्व भी मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, इतना सही है, ये थोड़ा सा नीचे कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मून रेडी हो गया था। फिर मुझे एक फेडेड लुक चाहिए था कि नीचे से एक फेडेड लुक आए, तो मैंने जस्ट ग्रेडियंट मैप से कर रखा है, ग्रेडियंट मैप ये वाला ऑप्शन होता है। और जैसे ही आप मास्क बनाएंगे तो आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करिए और ये ब्लैक सेलेक्ट करिए, ठीक है। और जस्ट जितना भी आपको फैदर चाहिए हो आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इतना सही लग रहा था, ओके। फिर यहाँ पे अब बात आती है नेक्स्ट कि उसके नीचे फिर मैंने डाला था एक समुंदर का किनारा टाइप सा, लेकिन ये समुंदर का किनारा नहीं था, ये एक माउंटेन्स टाइप था जो मैंने एक इमेज में से कट करा था, ये आप देख सकते हैं किसी खोपड़ी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इतना करा था और उसके बाद उसके ऊपर कलर ओवरले डाल दिया था, यहाँ से आके कलर ओवरले ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक क्रिएट हो गया, उसके बाद मैंने मास्क करके थोड़ा पूरा एडजस्ट कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो जब आप इतना कर लेंगे फिर उसके बाद थोड़े एडिशनल्स मैंने यहाँ ऐड करे थे अपने ब्रश से सिंपल सिंपल,
थोड़ा 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 थोड़ा, जिससे एक अच्छा सा टेक्सचर लुक आ जाए वहाँ पे। ठीक है, अभी मैं वरी नहीं कर रहा नीचे की वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्शंस क्या होंगे। रिफ्लेक्शंस मुझे पता था बाद में मैं बना सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जस्ट क्रिएट कर रखा है, एक ट्री था जो मैंने नेट से निकाला था, PNG थी ये ब्लैक कलर की सीधी, तो यहाँ मुझे कम मेहनत करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऐड करा था ये इस्लामिक पर्सन, जिसको नमाज नमाज ही बोलते हैं शायद, तो पढ़ते हुए वो जस्ट मून के पास, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा व्यू होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ जस्ट मास्क कर दिया था, क्योंकि जो उनका मैट होता है तो वो ज़्यादा दूर तक आ रहा था, तो जस्ट उसे मास्क कर रखा था कि एक स्मूथ लुक आ जाए उसके साथ, जैसे स्लोप जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को वेल सेटिस्फाइड लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे इमेज में थोड़ा सा वो चाहिए था कि फॉग स्मोक टाइप सी चीज़ हो, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फॉग डाला था। ये PNGs हैं सारी, और सिंपल जस्ट मैं शेयर कर दूंगा, यही वाली PNG है, मैंने कॉपी कर रखी है बहुत बार। और फिर यहाँ मैंने मास्क कर रखा है हल्का सा कि मून सही से दिखे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और डेंस करा था, और इतना कुछ खास नहीं है, ये नीचे की दो लेयर उतनी फ़र्क नहीं है इनसे, चाहे आप देख सकते हैं। वो जस्ट बेस बनाने के लिए था कि ये लाइन पे ही मुझे पेंट करना है, तो इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जस्ट इतना करने के बाद इसकी शेडो बनाई थी। शेडो कैसे बनाई थी, अब शेडो कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन, यहाँ सबसे पहले मैंने इसे शिफ्ट कंट्रोल ई दबाया था, जिससे कि स्टैम्प लेयर बन जाएगी, और फिर वी दबा के मैंने इसे फ्लिप वर्टिकल कर दिया था, और जस्ट यहाँ पे अलाइन कर दिया, और देखा मैंने कि हाँ वो सही से बैठा है कि नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे कंप्लीट डन हो गया था, और फिर यहाँ से मैंने मास्क कर दिया था इसे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अच्छी सी क्रिएट हो गई है। अब इसमें रिपल डालने के लिए क्या करना होता है, फिल्टर में जाना होता है आपने, डिस्टॉर्ट डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेस के बाद ये होता है, और इसमें आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स में, मैंने पहले से बना रखी है, ये मैं शेयर करूँगा आपके साथ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और यहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आप, यहाँ कितना अच्छा उसने रिपल क्रिएट कर दिया अपने आप ही, तो इसी को आप जस्ट यहाँ मैच एंड मैच कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मैच कर लेंगे अच्छे से तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा आप पे। ठीक है, सो ये बहुत ड्रीमी टाइप सा लग रहा था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ हो कितना अच्छा कंसेप्ट बना है। और फिर उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं इतना, और यहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी फॉग ऐड कर दिया है हल्का हल्का, आप देख सकते हैं, तो इससे थोड़ा एक ड्रामेटिक लुक आ जाता है। और फिर उसके बाद मैंने हाँ थोड़ा बड़े में ब्रश करके हल्का हल्का फॉग और बढ़ाया है, तो वही PNG है उसी को ही शेयर कर रखा, और फिर अपना लोगो, और यहाँ ये इमेज कर दी थी मैंने कंप्लीट डन। और अगर आपको ये सब चीज़ें डाउनलोड करनी है तो मैं अभी इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जहाँ से आप हर चीज़ निकाल लेते हैं। टेलीग्राम, सो यहाँ ये इमेज में डाल देता हूँ कि आपको इससे आइडिया रहेगा कि इस चीज़ की है। और फिर डॉक्यूमेंट्स में से वो रिपल की PST, और ये फॉग, ईद मुबारक। सो यहाँ पे ये भी अपलोड कर दिया मैंने, सो 10 लोगों ने देख लिया, और 626 सब्सक्राइबर, सो इसे जल्दी से 1000 कर दीजिए, फिर एक गिव अवे होगा,
जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ें होंगी आपको यार, हेल्पफुल रहेंगी आपकी एडिटिंग में, वही चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं जो जो आपको ज़रूरत थी, और प्री की PNG आप निकाल सकते हैं क्योंकि वो कॉपीराइट इशू है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे PNG तो आ जाएगा, मैंने वहीं से निकाला था। और यहाँ ये कंप्लीट हो गया पूरा कंसेप्ट, और मैंने आपको समझाने के लिए ये कर रखा था। ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगी, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर सपोर्ट करें। अगर आप शाउट आउट स्टोरी में फीचर होना चाहते हैं तो हैशटैग सार्विन जरूर यूज़ करें अपनी फ़ोटो में, और मुझे टैग करें क्योंकि मैं सारी फ़ोटोज़ देखता हूँ और उसी के थ्रू सेलेक्ट करता हूँ। जो भी रीसेंट फ़ोटोज़ होती हैं उनमें से मैं स्क्रॉल डाउन करके बहुत अच्छे से जो जो मुझे पसंद आती है मैं उन्हीं को शाउट आउट देता हूँ अपनी स्टोरी में। सो होप आप भी पार्ट लेंगे उस स्टोरी में, शाउट आउट स्टोरी में, और ज़रूर फीचर हुई है क्योंकि उससे आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने।